गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीयर इंटरनेशनल ऑनलाइन स्टडी सिस्टम। टुडे वी आर डिस्कसिंग द बायोलॉजी चैप्टर 2 क्वेश्चन आंसर ऑफ बुक असाइनमेंट 25। एंड दिस यू हैव सीन द शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 1, जिसमें आपको पैश्चराइजेशन के बारे में बताया गया है। पैश्चराइजेशन इज अ प्रोसेस फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ मिल्क, यानी कि इस प्रक्रिया के द्वारा दूध को सुरक्षित रखा जाता है। इस मेथड में दूध को पहले 70 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया जाता है और एकदम से उसे ठंडा किया जाता है टू किल द बैक्टीरिया, उसके अंदर मौजूद बैक्टीरिया को मारने के लिए, और क्विकली उसको चिल्ड करने के लिए 10 डिग्री सेल्सियस तक उसे कूल किया जाता है ताकि उसमें बचे हुए जो बैक्टीरिया हैं वो ख़त्म हो सके। इसके द्वारा जो दूध है वो कई दिनों तक सुरक्षित रह सकता है बिना गर्म किए हुए भी। तो ये एक तरीका है डेयरी फार्म्स के द्वारा यूज़ किया जाता है, उसके बाद इनको थैलियों में पैक करके सप्लाई किया जाता है। तो इस मेथड के द्वारा हम दूध को पैश्चराइज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डू लेग्यूमिनस प्लांट्स इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी, यानी कि लेग्यूमिनस प्लांट्स यानी फलीदार पौधे किस तरह से सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करने में मदद करते हैं। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है पिछले चैप्टर्स में कि लेग्यूमिनस प्लांट यानी फलीदार पौधे, इनकी जड़ों में रूट नोड्यूल्स होते हैं, गांठें होती हैं रूट्स की, और उन गांठों में राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है, और ये बैक्टीरिया एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन गैस को एब्जॉर्ब करके कन्वर्ट कर देता है नाइट्रेट्स में, जो कि सॉल्युबल फॉर्म है, पानी में घुलकर पौधे तक पहुंच जाता है आसानी से। और जब पौधे तक पहुंच जाता है और पौधे की कटाई होती है, यानी कि आफ्टर हार्वेस्टिंग जब रूट्स के साथ वो डिकम्पोज हो जाता है, तो उन रूट्स के द्वारा वापस से सॉइल में ये नाइट्रोजनस कंपाउंड मिट्टी में मिक्स हो जाते हैं। एक खाद जो हम ग्रीन मैन्योर के नाम से जानते हैं, उसमें हम किसानों के द्वारा इस्तेमाल की गई प्रक्रिया को देखते हैं कि वो बड़े बड़े लेग्यूमिनस प्लांट लगाकर उसको मिट्टी में ही ट्रैक्टर के द्वारा मिक्स कर देते हैं, काट के वहीं छोड़ देते हैं, जिसके कारण जो उनकी जड़ों में मौजूद नाइट्रोजनस कंपाउंड होते हैं वो मिट्टी में मिक्स होकर सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने में मदद करते हैं। तो इसको ग्रीन मैन्योर के नाम से भी जाना जाता है। थर्ड है हमारा, व्हाट इज मेंट बाय नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया। नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया किसको कहते हैं? अमोनियम सॉल्ट जो होता है मिट्टी के अंदर, उसको कन्वर्ट करने का काम जो है बैक्टीरिया का है, जिसको नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया कहते हैं, और ये बैक्टीरिया कन्वर्ट करता है नाइट्राइट्स को नाइट्रेट्स में और मिक्स कर देता है सॉइल में, जिसके द्वारा प्लांट को नाइट्रोजन कंपाउंड मिलता है। ये मिट्टी में मिक्स करके पौधे तक पहुंचता है। इसलिए जो बैक्टीरिया इस कन्वर्जन के प्रोसेस को करता है उन्हें नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है। इसका नाम है नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया। फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ डज फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो स्प्रेड मलेरिया। जैसा कि हम जानते हैं कि जो मलेरिया फैलता है वो एक मादा मच्छर के काटने से फैलता है, और ये मादा मच्छर जब किसी के भी शरीर से ब्लड को खींचती है, या आप कह सकते हैं जब वो काटती है किसी भी शरीर को, तो उसके द्वारा ब्लड में प्लास्मोडियम छोड़ दिया जाता है, और यही कारण बनता है मलेरिया के फैलने का, जो कि एक प्रोटोजोआ होता है।
फिफ्थ क्वेश्चन है, हाउ डू एंटीबायोटिक्स वर्क? एंटीबायोटिक्स कैसे काम करती है? जब हम बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर हमें दवाइयों के साथ एक और डोज देता है एंटीबायोटिक्स का, और ये बायोटिक्स जो होती हैं हमारे शरीर के अंदर जाकर जो बीमारी फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं या तो उनको ख़त्म कर देते हैं या उनकी ग्रोथ को वहीं पर स्टॉप कर देते हैं, जिसके कारण वो बीमारी आगे नहीं फैल पाती है और वहीं ख़त्म हो जाती है जो भी इन्फेक्टेड पर्सन होता है उसके शरीर के अंदर। तो ये एंटीबायोटिक्स के द्वारा ही पॉसिबल है, यानी कि बीमारी को ख़त्म करने का एक साधन, और ये एंटीबायोटिक्स के द्वारा किया जाता है। आई होप आपको ये क्वेश्चंस समझ आ गए होंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। दैट्स ऑल। थैंक यू। हैव अ गुड डे।